स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। मैं अमित कृपाल आज आपको दिखाऊंगा बिहार का सबसे बड़ा बागान जो कि समस्तीपुर में स्थित है, जहां पे कि हम देखेंगे केला, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट, जो भी फ्रूट हो वो हम देखेंगे। उससे पहले मेरा बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो चलिए हम बाल को कटवाते हैं। और ये कुछ हमारे पीछे का कुछ नज़ारा देख लीजिए, ये बूढ़ी गंडक नदी है और वहाँ पर आपको दूर पर दिखेगा रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज यहाँ पर, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो बने रहिए। मंदिर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ये ब्रिज जिसे मैंने दिखाया था। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा नया हेयर स्टाइल? तो चलिए अब स्नान करते हैं, उसके बाद मैं आपको बगीचा दिखाने के लिए ले चलता हूँ। सब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीकू है, वाइट जामुन है, नेचर भी। और इसमें जो मतलब अच्छा कलम जो थार जो होगा उसको छोड़ेंगे, फिर बाद बाकी उसको जैसे उसमें सटाएंगे। हम आ गया कि लकड़ी मतलब बिक भी गया तो जो भी गया वो सारा अपने आप ही आ गया इसमें। हाँ हाँ हाँ, पीच का पेड़ है, बादाम है, पिस्ता है। जो शख्स हमारे आगे चल रहे हैं उनका नाम सुधांशु जी हैं, और ये बिहार के काफ़ी मशहूर फार्मर में से एक हैं। आप इनका वीडियो द लगन टॉप पर भी देख सकते हैं, जाकर देखिए। ये आमंड हो गया, फलना शुरू किया है। काफी ज्यादा पक गया है। अब हम पूरे बगीचे का इरिगेशन सिस्टम देखेंगे, यहीं से सारा वाटर सप्लाई होता है सारे पौधों को। और अभी हम आपको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो कि काफी लेटेस्ट और हाईटेक टेक्नोलॉजी जो कि इजराइल से आया हुआ है उसको अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी प्लांट है उसके जड़ में डायरेक्ट आदमी पानी देता है, जिससे कि पानी की कम खपत में बढ़िया उपज होती है। उसके बाद अच्छा प्रदर्श हो कि कटाएगा। जी हाँ, कितने दिन के बाद काट देते हैं? जैसे फूल निकल गया आई घर मतलब अच्छा अंतिम हो गया, अब वहाँ से नीचे मतलब जो नहीं बनेगा ना। ये देखिए सपोर्ट देने का काम यहाँ पे हुआ है कितने बढ़िया तरीके से। ये ड्रैगन फ्रूट है जो कि चाइना में होता है, उसका ये हाइब्रिड एक तरह से समझ लीजिए आप।